हे व्हाट्स अप वीडियो, मैं बैक विद अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसकी वजह ये है कि अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रॉपर डाइट भी ले रहे हैं और इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे, तो आप एक अच्छी फिजिक डेवलप नहीं कर सकते। मैं बात कर रहा हूँ मसल एंड माइंड कनेक्शन की। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको शायद इसके बारे में पता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसको कैसे बनाया जाता है। तो आज इसी के बाद बात करेंगे। मैं बहुत बेसिक, बहुत इंपॉर्टेंट चार टिप्स बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप इजीली मसल माइंड कनेक्शन बना सकते हैं। चाहे आप जिम में वर्कआउट कर रहे हो, चाहे आप घर में कर रहे हो, आप प्रॉपर इजीली अपना मसल एंड माइंड कनेक्शन बना सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको पता है क्या करना है। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, साथ में बेल आइकन होगा, दोनों को दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको मेरी मिल सकें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, सेम नाम से मेरा अकाउंट इर्तजा फिटनेस के नाम से, यहाँ साइड में आ रहा होगा, जाएं फॉलो करें। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप मुझे DM करके पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, मैं आप लोगों को पहले सजेस्ट करूंगा कि जो टिप्स मैं आज बताने वाला हूं, या तो आप उसको कहीं नोट कर लें या फिर अपने दिमाग के अंदर बिठा लें, क्योंकि ये टिप्स बहुत काम आने वाली हैं आपके लिए आगे जाके। ठीक है, तो बात कर लेते हैं टिप नंबर 1 की। जब आप वर्कआउट अपना करने जाते हैं जिम के अंदर, तो आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, वो ये कि आपको किस मसल का वर्कआउट करना है। अक्सर ऐसा होता है कि लोग जिम के अंदर जाके सोचते हैं कि यार आज कौन से मसल को हिट करूं, और जब वो शुरू करते हैं एक्सरसाइज, तो या तो उनका कोई जिम पार्टनर या कोई दोस्त बोलते हैं नहीं यार आज इस मसल का वर्कआउट नहीं करते हैं, आज ही करते हैं। तो इस तरह आपकी जो एक्सरसाइज है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो आपको करना ये है कि जब आप घर के अंदर हों, वहीं आपको डिसाइड करना है कि आपको आज कौन से मसल को हिट करना है, और जिम जाके सिर्फ उसी मसल को हिट करना है आपने। ठीक है, और एक चीज़ और डिसाइड करनी है आपको घर के अंदर ही, वो ये कि आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज आज करनी है। ऐसा ना हो कि जिम जाके आप सोच रहे हो कि यार ये वाली एक्सरसाइज कर लेता हूँ या ये कर लेता हूँ। ठीक है, आपको पूरा आपके माइंड के अंदर ये बना हुआ हो कि यार आज मुझे इस मसल की वर्कआउट करना है और ये वाली एक्सरसाइज करनी है, जाएँ वो उस मसल का वर्कआउट करें, एक्सरसाइज करें और घर आ जाएँ। पहली टिप नंबर 1 ये है। तो आप बात कर लेते हैं टिप नंबर 2 की। जब आप वर्कआउट कर रहे होते हैं, ज़्यादातर जिम के अंदर शीशे लगे होते हैं सामने, ठीक है, तो वर्कआउट करते वक्त जिस मसल को आप हिट कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आप बटरफ्लाई लगा रहे हैं, तो शीशे के अंदर आपने अपने उस पर्टिकुलर मसल के ऊपर नज़र रखनी है। जैसे अगर आप बटरफ्लाई लगा रहे हैं, तो आपकी नज़रें सिर्फ चेस्ट के ऊपर होनी चाहिए, आसपास के अपने इन्वायरमेंट पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे आपका मसल एंड माइंड कनेक्शन अच्छा बनेगा। क्योंकि जब लोग आसपास के इन्वायरमेंट पर नज़र रखते हैं, तो उनका माइंड डिस्टर्ब होता है, माइंड डाइवर्ट होता है। ठीक है, तो टिप नंबर 2 ये है कि आपको उसी मसल को देखना है जिस मसल की आप वर्कआउट कर रहे हो। अब बात कर लेते हैं टिप नंबर 3 की। मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जा रहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाए, इसलिए मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूँ। ठीक है, तो आते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। अब आपके साथ अगर कोई जिम पार्टनर है या कोई जिम ट्रेनर है, तो उसे करना ये है कि जब आप वर्कआउट कर रहे हो, तो उसे उस मसल के ऊपर सिर्फ टच करना है। जैसे बैक वर्कआउट, अगर आप बैक वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है, तो एक बंदा आपके पीछे सिर्फ बैक पे आपके टच करे। मैं आप यहाँ साइड में एक वीडियो डाल दूंगा अपनी, जिस तरह अपने क्लाइंट्स को करवाता हूँ एक्सरसाइज, तो आप देखिएगा कि किस तरह से मैं उसको वर्कआउट करवा रहा हूँ और किस तरह से मैंने उसके लेग के ऊपर जस्ट टच किया हुआ है। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी सेंस करती है कि यहाँ पे कोई चीज़ टच हुई है। इस तरह से आपके माइंड में डायरेक्ट उस मसल का जाता है कि यार यहाँ पे टच हुआ है। तो इस तरह से आपके माइंड एंड मसल कनेक्शन ईजिली बन सकता है। तो ये मैं रिकमेंड करूँगा कि जब आप वर्कआउट कर रहे हो, तो आपका जिम पार्टनर या आपके साथ जो भी वर्कआउट कर रहा है, सिर्फ उसको टच करें। ये नहीं कह रहा कि हम प्रेस करें या दबाए, सिर्फ अगर वो हाथ भी रखेगा, तो आपका ईजिली मसल एंड माइंड कनेक्शन बन सकता है। अब बात कर लेते हैं टिप नंबर 4 की। ठीक है, टिप नंबर 4 जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी मसल ग्रोथ के लिए, उसमें क्या करना है आपने, जब आप वर्कआउट कर रहे हो या वर्कआउट से पहले, पहले वर्कआउट से पहले कर लें फिर वर्कआउट के बाद, वर्कआउट से पहले आपने पोजिंग करनी है। जिस मसल की आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आपको उसकी पोजिंग करनी है। फॉर एग्जांपल बाइसेप की पोजिंग साइड में आ रही होगी, आप देख सकते हैं बहुत सारी हैं, आप इस तरह से भी कर सकते हैं या आपको जिस तरह से आती है आप वैसे भी कर सकते हैं। आपको बाइसेप के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है एक्सरसाइज करने से पहले ही। आपने वार्म अप कर लिया, वार्म अप के बाद आपने सिर्फ बाइसेप के मसल कॉन्ट्रैक्ट करना है, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद आपने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, और एक्सरसाइज के दरमियान जब के सेट्स कंप्लीट हो रहे हो, तब भी आपने बाइसेप के मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है। और कॉन्ट्रैक्ट करने के बहुत सारे पोजेस होते हैं जो स्टेजेस पे लोग करते हैं, एथलीट करते हैं, वो वाले आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चेस्ट के पोज हैं, बैक के पोज हैं, वो आप परफॉर्म कर सकते हैं जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे हो। जब आप चेस्ट की एक्सरसाइज करें, तो आपको चेस्ट की पोज करना है, जब आप बैक की एक्सरसाइज करें, आपको बैक का पोज करना है। इस तरह से आपका मसल एंड माइंड
ऑनलाइन कलेक्शन अच्छा बन सकता है। ये चार मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, मेजर टिप्स हैं, जिनको फॉलो करके आप इजीली मसल माइंड कनेक्शन बना सकते हैं। अब आप वर्कआउट घर में कर रहे हो या जिम में कर रहे हो, आपके लिए मसला नहीं होगा। ये टिप्स आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, या जिम के अंदर आसपास आपके कोई हो जो इनको फॉलो ना कर रहा हो, आप उनको भी बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।